नालासोपाऱ्यात गुंधा पालिकेचा अति धोकादायक इमारतींवर हातोडा। वसईविरार महानगरपालिका क्षेत्रात अति धोकादायक इमारतींवर सध्या तोडक कारवाई करण्यात येत आहे। शुक्रवारी सकाळी सहायक आयुक्त पंकज भुसे यांनी जेसीपीच्या सहाय्याने पालिका कर्मचारीवर पोलीस बंदोबस्तात नालासोपारा पूर्व प्रगतीनगर येथील एका धोकादायक इमारतीवर कारवाई केली। सदर इमारत अति धोकादायक असून त्याबाबत वारंवार नोटिसा तसेच रहिवाशांसोबत बैठका घेतल्या होत्या। रहिवाशांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून इमारत पुनर्बांधणीसाठी अर्ज केल्यास पालिका परवानगी देईल असे पंकज भुसे यांनी सांगितले। सदर इमारत ही अति धोकादायक म्हणजे सीवन कॅटेगरीमधली बिल्डिंग आहे। ती तात्काळ रिकामी करून निष्कासित करणे या प्रवर्गातली इमारत आहे। सदर इमारतीला महापालिकेतर्फे यापूर्वी वारंवार नोटीस दिलेली आहे, तोंडी सूचना दिलेल्या आहेत, बैठक घेऊन देखील सूचना दिलेल्या होत्या, परंतु तरीही सदर इमारतीमधील रहिवासी यांनी इमारत रिकामी केलेली नाही। त्यामुळे इमारतीमधील रहिवाशांची सुरक्षा व जीवित याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आज महापालिकेमार्फत सदर इमारत अति धोकादायक असल्याकारणाने रिकामी करण्याची कार्यवाही चालू आहे। तर इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर डागडुगीही करण्यात आली होती। कोर्टात केस सुरू असताना पालिकेची ही कारवाई चुकीची असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे। इस कारवाई की यह है कि हमें गवर्नमेंट हमें बता के दे कि किस लिए तोड़ा जा रहा है, क्या है उनका प्लान, किस लिए हमें ये क्या कोई नया बिल्डिंग हमें बना के देने वाले हैं कि या कहीं गवर्नमेंट प्लान हमें देना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें बना के दिया जाए ये इस घर को, अगर नहीं है तो हम खुद अपने हमें टाइम दिया जाए, हम इस बिल्डिंग को खुद बना के अच्छे से तैयार करके दिखाएंगे। हमने ये पूरा स्ट्रक्चर कराया, इंजीनियर से हमसे काम करा के हमने दिखाया है, पूरा गवर्नमेंट को सब हमने पूरा गवर्नमेंट को दिया है, हमारा केस भी चल रहा है, लेकिन इनको कुछ सुनना नहीं है उसके बारे में, सीधा सीधा आके सिर्फ तोड़ना है। कैसा कार्रवाई कैसी चल रही है, क्या कार्रवाई कैसे की? कार्रवाई वो हमारे पास सुनने को तैयार नहीं है। पहली बात तो हम उनसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास आइए मत, हमें सिर्फ आज के दिन तोड़ना है, बस तोड़ना है। सुबह आके हम सब अपना ब्रश कर रहे थे ना, उठे थे सीधा आके लाइट बिजली काट के देखे चले गए, किसी से पूछा नहीं कि क्या कर रहे हो, हम क्या आतंकवादी है इस बिल्डिंग में रहने वाले, कि हमसे पूछा क्यों नहीं गया। ऐन पावसाळ्यात इमारतींवर तोडक कारवाई केल्यामुळे रहिवाशांवर बिगर होण्याची पाळी आली आहे। राहायला जागा नाही आणि पालिका निवारा केंद्रात राहण्याची व्यवस्थाही करत नाही, त्यामुळे रहिवासी चिंतेत आहेत। तर इमारत बांधणाऱ्या विकासकांवर मात्र कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे।